नमस्कार, प्राइम 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पहलवान सुशील कुमार ने की तिहाड़ जेल प्रशासन से मांग, कहा सेल में लगवाया जाए टीवी। दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत, उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का लगाया गया अनुमान। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा, सीएम योगी बोले 2022 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स प्लांट में विस्फोट, कई लोग हुए घायल। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही नियुक्त किया जाएगा शिकायत अधिकारी। एकीकृत थिएटर कमांड को लेकर मतभेद, सीडीएस के रुख से वायुसेना प्रमुख असहमत, 4 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी। हद संभालते ही एक्शन में दिखे नए पुलिस कमिश्नर, बाला टीम के साथ की चेकिंग, लाल किला और गाजीपुर बॉर्डर की सुरक्षा का लिया जायजा। ट्विटर इंडिया और उसके एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ फिर हुई शिकायत, संप्रदाय के नफरत फैलाने का लगा आरोप। मुफ्त में भोजन और रहने की सुविधा देने से बढ़ेगी बेघरों की संख्या, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बयान। किसान संगठन ने महाराष्ट्र सरकार से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ रुख स्पष्ट करने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से लीक हुई थी वोटर लिस्ट, केरल पुलिस ने शुरू की जांच। टीएमसी नेता ने महिला को लगाई कोरोना वैक्सीन, वीडियो वायरल होने के बाद दी ये सफाई। यूपी जिला पंचायत चुनाव, पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी बधाई, जनता को खास अंदाज में कहा शुक्रिया। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे पर टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने अपनी तारीफ में छपवाया विज्ञापन और लेख, कांग्रेस के अंदर खाने मची खलबली। सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने दिया बड़ा बयान, 2014 से निषाद समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ी है और दिल्ली में आरक्षण की लड़ाई होगी। औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने दर्ज की जीत, सपा प्रत्याशी को 4 मतों से हराया। आजमगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष पर सपा ने दर्ज की जीत, सपा प्रत्याशी विजय यादव 74 वोट से जीते, बीजेपी के संजय निषाद को मिले 5 वोट। महोबा में बुंदेलखंड क्रांति दल के सदस्यों ने पीएम को संबोधित करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की उठाई मांग। कानपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया सामने, आरोपी युवक 6 साल में पैसा ट्रिपल करने की स्कीम देकर लोगों से करता था ठगी, पुलिस ने मामले में नहीं की कोई कार्रवाई।
कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक और मामला आया सामने। हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की शानदार जीत, स्वप्निल वरुण ने सपा प्रत्याशी को हराया। आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा लोगों को पुलिस का डर दिखाकर चुप कराया जा रहा है, योगी सरकार ब्राह्मणों को कर रही है टारगेट। सीतापुर में अधेड़ युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवक आम के बाद की कर रहा था रखवाली, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दोबारा बीजेपी का बजा डंका, उषा सिंह ने 8 मतों से दर्ज की जीत, सपा को मिला सिर्फ 1 वोट। बंगाल की तर्ज पर अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने लगाए होल्डिंग्स और बैनर, बैनर में लिखवाया खेला कोई का स्लोगन। अलीगढ़ में भी वन महोत्सव की दिखी धूम, नगर निगम द्वारा धारा मापी में लगाए गए 1000 पेड़, लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की गई अपील। औरैया में डीएमएसपी ने दिया विवादित बयान, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव को वोट न डालने की गई बात, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में वित्तवार चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किया वृक्षारोपण, शमशान भूमि में 900 पौधे किए गए रोपित, वृक्षारोपण के दौरान दूसरे अधिकारी भी रहे मौजूद। रायबरेली में दुष्कर्म के आरोपी ने लगाई फांसी, आरोपी 2016 से जेल में था बंद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में निर्माणाधीन 4 लेन पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार लोगों की हुई मौत, गाड़ी चालक मौके से हुआ फरार। सोनभद्र में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, घटना में 1 की मौके पर हुई मौत, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दबंगों ने युवती का अपहरण कर धर्मांतरण करने का किया प्रयास, पुलिस ने बहराइच में 6 दिन बाद बरामद कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। मुरादाबाद में राशन कार्ड धारकों को फ्री में मिलेगा राशन, 15 जुलाई तक ही मिलेगा अवसर, दूसरे चरण का राशन 20 जुलाई से 31 जुलाई होगा वितरित। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्व सांसद दाऊद का अवैध अपार्टमेंट ढहाया, अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण के पहले ही दिए जा चुके थे निर्देश, एनओसी ने लेने पर कोर्ट ने खारिज किया था मामला। आईआरसीटीसी ने किया लॉन्च ले और लद्दाख का तीसरा पैकेज, कोरोना के बाद बड़ी हिल स्टेशन की डिमांड। विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर होगी अवैध कॉलोनियों की सूची, ठगी से बचेंगे खरीदार, 39 गाड़ी की तर्ज पर। गाड़ी की तेज हुई रफ्तार तो ऑटोमेटिक हो जाएगा चालान, लखनऊ में लगाए गए लेजर स्पीड रडार कैमरे। गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर सहित 9 मेडिकल कॉलेजों का प्रधानमंत्री इसी माह करेंगे लोकार्पण, सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। वाराणसी में नीलगिरी इंट्रासिटी संचालकों पर 6,50,000 रुपए हड़पने का आरोप, संचालकों के खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज।
अरेवा गोवा को टक्कर देगा। गोरखपुर रामगढ़ ताल में क्रूज चलाने की तैयारी, होटल रेजिडेंस ब्लू ने दिया प्रस्ताव। कोरोना की नई वैक्सीन कोवावैक्स का गोरखपुर एम्स में शुरू हुआ ट्रायल, 100 वेंटिलेटर पर होगा प्रशिक्षण। प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या, कार सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर, 104 दिन बाद भी सामने नहीं आया कोरोना का कोई भी केस। नक्सल पुलिस ने लूट का किया खुलासा, बीते दिनों हुई लूट के 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार, मोबाइल, नगद रुपए और एक मोटरसाइकिल भी की बरामद। चमोली में गांव में सड़क ना होने से ग्रामीण परेशान, मरीजों को ले जाने में हो रही है दिक्कतें, कंधे पर बैठाकर मरीज को ले जाते हैं परिजन। हरिद्वार में देर रात म्यूजिक सिस्टम लगाकर किया गया अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के बादराबाद में बीजेपी विधायक ने की समीक्षा बैठक, बैठक में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से की गई चर्चा, रुके कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। नक्सल में प्रेम प्रसंग में युवक की हुई हत्या, मृतक के परिवार में मचा कोहराम, युवती के परिजनों पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लालकुआ में बीजेपी नेता ने अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमले को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला और कहा देश का माहौल खराब कर रही है कांग्रेस। लालकुआ में आपने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दिए जाने से कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, पौड़ी में नेताओं और मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा किया, शुरू क्षेत्र में विकास कार्यों पर दे रहे हैं जोर। ऋषिकेश में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ऋषिकेश में पूर्व प्रधान पर लगा 24 लाख रुपए के गबन का आरोप, पंचायती राज अधिनियम के तहत की जाएगी प्रधान पर कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में डीएम ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का लिया जायजा। अल्मोड़ा में सिक्किम में शहीद हुए कुमाऊं के जवान, सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई। बाजपुर में ई पास के नाम पर यात्रियों से की जा रही है वसूली, यात्रियों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। उत्तराखंड के धनौरी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह का एक गोष्ठी का किया गया आयोजन, अधिकारियों ने लोगों से नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग न करने की अपील की। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में पहुंचे सैलानी, व्यापारियों को मिली काफी राहत, यातायात व्यवस्था को संचालित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल हुआ तैनात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले धामी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड करेगा प्रगति। ऋषिकेश में बारिश के बावजूद टीकाकरण को पहुंचे लोग, दिव्यांगों के लिए ज्योति विशेष विद्यालय में लगा विशेष शिविर।
देहरादून में हलाल मीट प्रकरण में वेहलम स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी, पूर्व में जारी की गई टेंडर प्रक्रिया को किया गया निरस्त। रुड़की में आपका ही निरीक्षक 35,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, आरोपी के घर से 6,95,000 की नकदी भी की गई बरामद। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क की आवाजाही कर रहे हैं सैलानी, कोविड कर्फ्यू में ढील के बाद नैनीताल में बढ़ती भीड़ पर बन सकती है तीसरी लहर का कारण। भारी बारिश से टोक्यो में भूस्खलन, मिट्टी धंसने से कई मकान बहे, 19 लोग हुए लापता। ट्विटर फेसबुक से ट्रंप हुए बैन, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने फ्री स्पीच और बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंच गेटर का किया लॉन्च। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए भर्ती। विदेश मंत्री ने अमेरिका व उसके कुछ सहयोगियों की पुरानी शीत शुद्ध मानसिकता के लिए की आलोचना। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस से पहले सशस्त्र मिलिशिया के 11 लोग गिरफ्तार, भारी हथियारों से थे लैस। जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होने के लिए तैयार सिरिशा भांडला, इतिहास बनाने वाली भारतीय महिला। रूस की रणनीतिक योजना केंद्र में भारत और चीन, रूस ने यह मसौदा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत किया है तैयार। ब्रिटेन से अमेरिका तक सैकड़ों कारोबार पर साइबर हमले, हैकर्स ने मांगी $50,00,000 तक की फिरौती। पाक में अलग बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे हैं बलूच आर्मी ने चीनी कंपनी को फूका, कंपनी में काम करने वाले 6 मजदूरों का किया गया अपहरण। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन बेचैन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं कर रहा है परहेज। चीन ने फिर चली चाल, लद्दाख सीमा पर तैनात किए 50,000 सैनिक, एक्शन में आया भारत। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन और रूस में बढ़े कोरोना के मामले, ईरान में मंडराया 5वीं लहर का खतरा। ब्रिटेन में लागू हुआ राइट टू रिपेयर कानून, ताकि 10 साल ज्यादा हो बिजली उपकरणों का इस्तेमाल, इससे पर्यावरण की होगी रक्षा। सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते यूएई, इथियोपिया और वियतनाम के लोगों के लिए एंट्री हुई सस्पेंड। अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वर्चस्व की लड़ाई, सैन्य संघर्ष में 20 आतंकी ढेर, 3 सैनिक हुए शहीद। वेटिकन में कार्डिनल समेत 10 लोगों पर अभियोग, 30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का लगा आरोप। महिला संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से अलग हुआ तुर्की का, अपने ढंग से करेंगे काम। डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, पूर्व सलाहकार के दावे से मचा राजनीति बवाल।
हाथ से कोवैक्सीन खरीदने पर ब्राजीली राष्ट्रपति बोलसोनारो पर घोटाले का लगा आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की दी मंजूरी। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी मॉडर्ना के कोविड 19 टीके की 25 लाख खुराक। मिताली बनी महिला क्रिकेट की तेंदुलकर, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी, वनडे में 84वीं जीत के साथ कप्तानी में भी नंबर वन। झारखंड के प्लेयर्स के लिए सीएम ने की बड़ी घोषणा, तीरंदाजी वर्ल्ड कप में देश को 3 गोल्ड मेडल जिताने वाली दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। वेस्टइंडीज वर्सेज पाकिस्तान T20 क्रिकेट के दौरान 10 मिनट में वेस्टइंडीज की 2 महिला क्रिकेटर मैदान पर बेहोश होकर गिरी, दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आईपीएल फेज 2 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा बड़ा झटका, आईपीएल नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ, तब तक कुल 9 खिलाड़ियों के नाम लिया वापस। यूरोप कप 2021 में यूक्रेन को हराकर इंग्लैंड 25 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा, डेनमार्क ने 4थी बार टॉप 4 में बनाई जगह। मारुति की 8 कारें सबसे ज्यादा बिकी, हुंडई की 2 कारें क्रेटा एसयूवी और ग्रैंड टॉप 10 में हुई शामिल। एक जिला एक उत्पाद के लिए 707 जिलों के प्रस्ताव मंजूर, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी जाएगी वित्तीय व तकनीकी मदद। आरबीआई ने एफडी से जुड़े नियमों में किया बदलाव, मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं निकालने पर मिलेगा कम ब्याज। गूगल और फेसबुक ने पेश की पहली रिपोर्ट, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई आपत्तिजनक पोस्ट को हटाया, रविशंकर प्रसाद ने की तारीफ। कोरोना काल में चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने बनाया एक नया रिकॉर्ड, जून में 112.65 मिलियन टन माल की हुई ढुलाई। डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म में सिंगर के रोल में नजर आएंगे विकी कौशल और मानुषी छिल्लर। कसौटी जिंदगी की शो की अभिनेता प्राचीन चौहान गिरफ्तार, महिला के साथ छेड़छाड़ करने का लगा है आरोप। की टीम के चुटचुपा में आएंगी नजर, 23 जुलाई को रिलीज होगा वेब शो। अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की दीवार गिराएगा बीएमसी, 2017 से मिला हुआ है नोटिस। मुंबई में शुरू हुई प्रभास और सैफ अली खान स्टार आदि पुरुष के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग, डायरेक्टर ओम राउत ने किया कंफर्म। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।